क्योंकि किस अमृत कुंड को सुखा के जब परमात्मा श्री राम बाण चला रहे हैं और फिर उनको सलाह दी जा रही है कि जब तक उसकी नाभि में वो अमृत कुंड है वो मरेगा नहीं, मतलब जो अमृत कर दे, जो मृत होने से रोक दे। तो वो जब उसकी नाभि में वो है तो किस अमृत कुंड को सुखाने की बात रामायण में कही गई है, किस अमृत कुंड को उन्होंने सुखाया और उसके बाद रावण पराभूत हुआ, तो वो कौन सा अमृत कुंड है? तो ये तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते रहते थे और मुझे लगा कि इतने लंबे सिविलाइजेशन में जहाँ पे हजारों की संख्या में कई किस्म के राजे महाराजे बने हैं, लेकिन इसके पश्चात भी जब हम सुशासन की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के पहले पायदान पर राम राज्य की परिकल्पना पैदा होती है। क्यों? क्योंकि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं, काहुई व्यापा वाली जो बात है कि जहाँ पे न दैविक ताप होते हैं न भौतिक ताप होते हैं और ना ही देवीय ताप होते हैं। तो वो वाली इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब परम पूज्य दद्दा जी जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी कृपा से राम राज्य लिखने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि दर्शकों ने उसे काफ़ी अच्छा, पाठकों ने उसे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद भी दिया।